कल से जो अखिल भारतीय समन्वय भा बैठक पुणे में हो जा रही है होने जा रही है उसके वार्तांकन के लिए आए हुए आप सभी माध्यम कर्मियों का मैं अतुल अग्निहोत्री पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत का सह प्रचार प्रमुख आपका स्वागत करता हूं। आज इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाले अपने संघ के अधिकारी हैं माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी आप प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ऐसा दायित्व आपके पास है मंच पर दूसरे कार्यकर्ता हैं डॉक्टर प्रवीण दबड़घाव आप पुणे से हैं आपका वैद्यकीय व्यवसाय है पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह। ऐसा दायित्व आपके पास है मैं श्री सुनील जी से आवेदन करता हूं कि वे पत्रकार वार्ता शुरू करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत कई वर्षों से समाज में सक्रिय है और संघ के स्वयंसेवक अपने शाखा कार्य के माध्यम से लगातार राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं संघ के स्वयंसेवक शाखा के काम करने के साथ साथ कई स्वयंसेवक समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जाकर अलग अलग प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं वो सारे कार्य राष्ट्र सेवा के लिए है और राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए है ऐसे सभी स्वयंसेवक जहाँ कार्य करते हैं ऐसे संघ प्रेरित लगभग कई सारे संगठन हैं। ऐसे संगठनों की यहाँ पर कल से बैठक होने वाली है संक्षिप्त में कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से संघ प्रेरित 36 संगठनों की कल 14 सितंबर से 16 सितंबर तक पुणे में अखिल भारतीय समन्वय बैठक होने जा रही है वैसे यह बैठक प्रतिवर्ष आयोजित होती है पिछले वर्ष यह बैठक छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित हुई थी इस बैठक में कई सारे संगठन शामिल होंगे इसमें संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत माननीय सह सरकार माननीय सरकारेवा वाह दत्तात्रेय होजबले जी अन्य सभी सह सरकार्यवा अन्य सभी पदाधिकारी और साथ ही जो अपेक्षित छत्तीस संगठन हैं उन संगठन के प्रमुख पदाधिकारी इसमें उपस्थित होंगे जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर एडवोकेट आलोक कुमार जी और श्रीमान मिलिंद परांडे जी भारतीय मजदूर संघ से बी सुरेंद्रन जी और उनके अन्य पदाधिकारी बीजेपी से श्री जे पी नड्डा जी और श्रीमान संतोष जी ए से श्री आशीष चौहान जी और याज्ञवल्के जी ऐसे सहकार भारती संस्कार भारती किसान संघ सक्षम ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्र सेविका समिति ऐसे लगभग जीवन के हर क्षेत्र के शिक्षा सुरक्षा या सेवा के कार्य में लगे हुए बहुत सारे अलग अलग संगठन यहाँ पर सहभागी होंगे सामान्यतः इस बैठक में ये लोग चूंकि अपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे ये सारे संगठन कई वर्षों से सामाजिक जीवन में सक्रिय है और अपने परिश्रम से अपनी समाज की सेवा से उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है संख्यात्मक दृष्टि से ये कई सारे संगठन तो अपने क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसमें अपने अपने क्षेत्र के उनके जो अनुभव है वो इस बैठक में वो साझा करेंगे जैसे उदाहरण के तौर पर कई प्रकार के समाज जीवन में ये सारे लोग जमीन पर जाते हैं सामान्य लोगों से मिलते हैं उनके साथ मिलकर कई सारे उपक्रम चलाते हैं उसके भी अनुभव यहाँ पर बताएंगे समाज जीवन में जो राष्ट्रीय परिस्थिति है वर्तमान परिदृश्य है उसके संदर्भ में भी वो अपने अनुभव यहाँ बताएंगे उसके जुड़े हुए कई विषयों पर यहाँ मूलभूत चिंतन भी होगा और आगामी वो संगठन की क्या दिशा है वो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या सोचा है इसके बारे में भी अपनी योजनाओं को भी यहाँ पर वो साझा करेंगे साथ ही अभी देश भर में महिलाओं के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं कई सारे लोग ये सब मिलकर कई सारे ऐसे सम्मेलनों का आयोजन समाज की कई संस्थाओं के साथ मिलकर हो रहे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण कसा कैसा हो उनकी सामाजिक जीवन में सहभागिता कैसे बढ़े और वास्तव में हमारे भारतीय दृष्टि जो है महिलाओं के सहभाग की हमारे चिंतन में उसके संदर्भ में भी एक मंथन इस सम्मेलनों के द्वारा हो रहा है उसको भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उसकी भी अनुभव यहाँ पर चर्चा की जाएगी और महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी देश में विभिन्न प्रकार के वैचारिक मुद्दों पर भी अलग अलग प्रकार से समय समय पर विषय आते रहते हैं मूलभूत देश के बारे में हमारे धर्म के बारे में हमारी संस्कृति के बारे में हमारे भूतकाल के बारे में वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में भी कई विषय लगातार आते हैं और इस पर स्वाभाविक है हमारे देश में विभिन्न विचार हो सकते हैं परंतु सत्य के आधार पर और तथ्यों के आधार पर इन विषयों के बारे में चर्चा होनी चाहिए इस पर संघ का और संघ प्रेरित सभी संगठनों का लगातार आग्रह रहता है और प्रयास रहता है तो इस संदर्भ में हो रही चर्चाओं पर भी यहाँ विचार विमर्श होगा और वैचारिक विमर्श के मुद्दों पर दिशा कैसी होनी चाहिए इस पर भी चर्चा विचार विमर्श होगा और अपने अपने अनुभव और अपने अपने प्रयासों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी सामाजिक परिवर्तन के जो प्रयास चल रहे हैं उस प्रयास में ये सभी लोग लगे हुए हैं जैसे जीवन मूल्यों के साथ परिवार चलने चाहिए अपने जीवन को पर्यावरण की सुरक्षा के साथ जीवन की शैली बननी चाहिए स्वदेशी के साथ अपनी आर्थिक नीतियाँ बननी चाहिए और साथ ही ये सब करते हुए हमारे जीवन में समरसता का संदेश होना चाहिए ताकि जातिगत भेदभाव और जो भी सबका सहभाग इस बात के लिए आग्रह बनना चाहिए इस पर सभी के प्रयास कैसे हो सकते हैं और स्वाभाविक रूप से एक नागरिक के नाते हमारे देश में सभी स्वयंसेवकों की भूमिका और साथ में देश के सभी लोगों की भूमिका कैसे बन सकती है ऐसे कई माध्यमों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन में सभी स्वयंसेवक लगे हैं ये विविध जो संगठन है उसके भी कार्यकर्ता समाज के कई सारी संस्थाओं को साथ में लेकर उनके साथ भी समन्वय करते हुए लगे हुए हैं तो ऐसे कई विषयों पर तीन दिन में चौदह पंद्रह सोलह यहाँ पर चर्चा होगी ये बैठक एग्जीक्यूटिव बैठक नहीं है इसलिए यहाँ पर उस तरीके के निर्णय नहीं होंगे क्योंकि निर्णय संघ के लिए संघ की बैठक में होंगे और संगठन के लिए संगठन की अपनी अपनी कार्यकारी परिषद में उनके निर्णय होंगे परंतु चूंकि एक ही उद्देश्य से संघ का जो विचार है उससे सब लोग लगे हैं तो समय समय पर ऐसे समन्वय की बैठकें होती है ये एक व्यापक या बड़ी समन्वय की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है तो इसी क्रम में यह बैठक हो रही है और निश्चित रूप से इस बैठक में जो विचार विमर्श होगा उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी दी जाएगी और 16 तारीख को बैठक के अंतिम दिन अपने संघ के सहसर कार्यवाह प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उस समय वो बैठक से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर भी जब उत्तर देंगे तो इस तरीके से और भी बैठक की कुछ जानकारी होगी तो वो भी आपको यहाँ प्रचार कार्यालय से समय समय पर दी जाएगी तो आज दृष्टि से आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि जो समन्वय बैठक है इसके सारे जो विचार चिंतन है उसको आप समाज तक पहुँचाएँ धन्यवाद बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं शेष प्रश्नों का जवाब 16 तारीख को मिलेगा हाँ